नजर डालेंगे शोबिज की रंगारंग दुनिया पर। पाकिस्तानी सुपरस्टार फवाद खान, जो कि सरहद पार भारत में भी अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुके हैं, नामवर बॉलीवुड अदाकारा कतरीना कैफ के साथ फिल्म साइन करने के बावजूद भी काम नहीं कर सके। भारतीय अदाकार किरण जौहर ने अपनी फिल्म बात पक्की के लिए बॉलीवुड क्वीन कतरीना कैफ के साथ फवाद खान को कास्ट किया था, जबकि हदायतकार रीमा किगती ने अपनी फिल्म मिस्टर चालू के लिए अदाकारा प्रियंका चोपड़ा के साथ फवाद खान को कास्ट किया था। इसके अलावा हदायतकार संजय लैला बंसाली ने अदाकारा फवाद खान को फिल्म पद्मावत में महाराजा रतन सिंह के किरदार के लिए कास्ट किया था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान खराब सियासी ताल्लुकात की बिना पर भारतीय फिल्म साजों के फवाद खान के साथ काम करने की ख्वाहिश अब तक अधूरी है, इसलिए संजय लैला बंसाली को फिल्म पद्मावत में फवाद खान की जगह शाहिद कपूर को कास्ट करना पड़ा। अमेरिका की अदालत ने रियलिटी टीवी स्टार 41 साल कम कर्दाशन की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें सिंगल या गैर शादीशुदा करार दे दिया। कम कर्दाशन ने हाल ही में अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के मुकामी अदालत ने कुछ हफ्ते कबल ही दरख्वास्त दायर की थी कि उन्हें सिंगल या गैर शादीशुदा करार दिया जाए। किंग खान ने पढ़ाई में दिल न लगने पर तालिब इलम को मुनफरद अनोखा मशवरा दे दिया। अदाकार शाहरुख खान का गुज़िश्ता साल से ट्विटर अकाउंट मुकम्मल तौर पर गैर फाल था। इसी दौरान उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से अपनी फिल्म पठान के रिलीज़ की तारीख का ऐलान कर लिया है, जिसके बाद वो ट्विटर पर दोबारा फाल हो गए। शाहरुख खान ने मदाहों के सवाल के जवाब भी दिए, जबकि इनसे एक तालिब इलम ने पूछा कि सर पढ़ाई कैसे करूँ, मेरा दिल नहीं लगता। सवाल के जवाब में किंग खान ने अनोखा मशवरा देते हुए कहा, दिमाग इस्तेमाल करो, शायद काम कर जाए, दिल प्यार के लिए रखो।